के कोई आदमी होता तो नोट ना दूं मैं मोबाइल कैसे चल गया चल गया चाहिए चोट लग गया क्या चोट बेचारे की चुपचाप भाग रही थी अरे चिल्लाए खाली आ करके चोर चोर बोलना चाहिए तो मेरा नेम टूटा हम बोले पकड़ो 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 सीधे आ करके भागिए तो मेरा नींद टूटा हम देखें कोई भाग रहा हम बोले पकड़ो 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 पांच मिनट तो सहायक को बोले कि तो आप लेट जाइए हम बैठे होते हैं। ऐसे लापरवाह से ट्रेन में मोबाइल को चार्ज में लगा के नहीं छोड़ना चाहिए वो भी सो जाइएगा तो कैसे होगा कुछ मिलेगा सर बीस गो मोबाइल रोज जाता है हम लोग चिल्लाते रहते हैं कुत्ते की तरह नहीं दो चक्कर जरूर लगाते हैं सतर्क कर देते हैं टोटल आदमी को है अपना सामान देख लो कम से कम 20 माइल चोरी होता है आपको एक चीज दिखा रहा हूँ देखिए कितना व्यस्त टर्मिनल है रेलवे स्टेशन मतलब पटना और राजेंद्र नगर ये दो स्टेशन जो है इतना बिजी रहने वाला स्टेशन है कि मत बोलिए। डेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा देख सकते हैं धरना डेवलप किया जा रहा है ये देखिए ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये एग्जिट एंट्रेंस जो कह सकते हैं दो गेट इधर है ये इसको गेट नंबर 4 बोलते हैं ईस्ट सेंट्रल रेल इंडियन रेलवे का राजेंद्र नगर टर्मिनल यहीं से आज हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजीव मिश्रा ब्लॉग्स को और अभी मैं हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मेरी यात्रा यहीं पे ख़त्म हुई थी तो आज मैं अपनी दूसरी जर्नी यहीं से शुरू करने वाला हूँ जो होने वाली है कैपिटल एक्सप्रेस में। कैपिटल एक्सप्रेस से मैं राजेंद्र नगर से कटिहार तक की जर्नी इसमें ओवरनाइट जर्नी करने वाला हूं जो कि 7 घंटे की होने वाली है। कैपिटल एक्सप्रेस जो कि वीक में 3 दिन थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे रात को राजेंद्र नगर टर्मिनल से 23:15 पे खुलती है नेक्स्ट डे 12:45 पे ये न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचा देती है जिसमें इस ट्रेन को 13:35 लगते हैं 515 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है। एवरेज स्पीड इसकी 38 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर की होती है तो काफ़ी फास्ट चलने वाली है ये ट्रेन और रात की ओवरनाइट जर्नी है। इसमें इसके 34 हॉल्ट होते हैं। इसका रूट की अगर मैं बात करूं तो ये चलेगी बरौनी खगड़िया मानसी बेगूसराय कटिहार के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी ये जाने वाली है। चलते चलते जब तक ट्रेन आने में टाइम है एक कॉफ़ी तब तक ले ली है मैंने पीते हैं देखते हैं इस स्टेशन पे किस तरह की कॉफ़ी दी जाती है। मशीन वाली कॉफ़ी है 10 की वैसी है जैसे कि हर स्टेशन पे मिलती है ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते ज़्यादा बुरी भी नहीं कह सकते। ट्रेन जो है वो आकर के लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे कैपिटल एक्सप्रेस 03246 डाउन जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल जाएगी यानी बिहार से वेस्ट बंगाल। तो आज ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है। अभी 9:40 हुए हैं इसके 11:10 में खुलने का समय है तो अभी कुछ समय है तब तक टहल रहा हूँ।
इसके अभी गेट भी जो है वो नहीं खोली गई है, थोड़ा सा टाइम होगा उसके बाद खोले जाएंगे। 10:29 हुए हैं और अब जाके इस गाड़ी की लाइट जो है वो फाइनली जली है। ये है आपका भाई, देखते हैं पानी आ रहा है या नहीं। ये भाई आ रहा है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर भी है, डस्टबिन भी है। चलिए लगे हाथ बाथरूम भी देख ही लेते हैं क्या, नहीं पहले बैग रख लेते हैं उसके बाद। तो आज ये है आपके भाई का सीट, और ये कोच देख के तो सबसे पहले मेरा मन खुश हो गया भाई, एकदम सरकास कोच है। सामने मिरर, अलार्म, लाइट, चार्जिंग पॉइंट, हैंगर इधर भी है, दो चार्जिंग पॉइंट। भाई साहब अपर वो हैं दो चार्जिंग पॉइंट, ये देख के मैं हैरान हूँ। साइड अपर दो दो चार्जिंग पॉइंट पहली कोच में मैंने देखी है। धीरे धीरे जो है ना वो इंडियन रेलवे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है भाई साहब, कर रहा है। यहाँ सोचा आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ट्रेन यहीं से ऑरिजिनेट हो रही है। तो चलिए, मिरर तो साफ सुथरा मिला यहाँ पे। अब देखते हैं नल में पानी तो आ ही रहा है, नीचे भी पूरा साफ है, फ्लश में टूटा हुआ है ये, ठीक है। नीचे जग वगैरह भी है, इसका भी ये टूटा हुआ है हैंडल, जिसे आप लॉक करेंगे, ठीक है। मिला जुला के ओके है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे डस्टबिन भी दिया हुआ है, अगर बच्चों के आप डायपर चेंज करते हैं तो यहाँ पे फेंक सकते हैं। तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से अपनी ट्रेन 11:22 में खुली है, यानी कि डिले 12 मिनट डिले से खुली है अपनी ट्रेन। ये राजेंद्र, चिंता करे टर्मिनल आपका स्वागत है। तो अभी पटना से ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है और रात के अभी बज चुके हैं 11:30, और आगे रात का व्यू तो आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे मिलता हूँ हल्ला कीजिएगा तब ना, उधर आराम चले जा रहा है। सोचे कि आपको कोई आदमी है, रिंगोड़ा रिंगोड़ा देखिए तुम अभी नहीं ना आपके पास, हो सकता कहीं गिरा हो, अभी देख लीजिए पहले। हरा शर्ट वाला था, हरा शर्ट उसके आगे में बैग लगा हुआ था, ना ना बैग में नहीं, उसके पास देखता हो रिंगोड़ा है, किसी बाथरूम में घुसा हुआ देखिए ना, किसी बाथरूम में घुसा होगा, टिकन जाइए ना, ट्रेन चल रहा है, सारी लकड़ियां हम रुकेगा। तो यहाँ पे स्लीपर भी जो है वो अब चोरों से भर चुकी है, और सिर्फ खगड़िया बेगूसराय बरौनी के आसपास ही जो है ना ये चोर सब चढ़ते हैं। जी,
हाँ वो लड़की को मिला, सोचा कि हम पकड़ा जाएंगे तो वो देखा ना कि उधर से आ रहे हैं सर लोग, वो धीरे से प्रशासन के गाड़ी रुकी नहीं, पूरा ट्रेन चलती रही। ना, अब, नहीं बात ये भी ना है सर, मान लीजिए कि साथ में ही आराम से जा रहा है कोई, क्या जाना अभी बोल नहीं रही है कि मोबाइल लेकर भागा है कि सामान लेकर भागा है, खाली चाहे चाहे हम सोचे कोई मेंटल है क्या भाई इस तरह से चिल्लाती भाग रहे हैं। चलिए मिलिए वाले का थैंक्स बोलिए, भगवान ना कीजिए, हम जोड़ा तो हल्ला कर दी थी, पकड़ लिए थे उसको हम, लेकिन चुपचाप जा रही है ना कि चोर चोर चोर, कम से कम अपना सामान का मेरा सरकार हथियार दिया है इसमें आके हम सो जाए, किसका गला परवाही है। अब लकी है कि मोबाइल मिल गया, हाँ बहुत लकी है, इम्पोसिबल था मिलना। अरे हम लोग दोनों आदमी जगह, हम भी जगह हुए हैं, वो भी बैठे हैं, उनको खगड़िया उतरना है हमको मान से, वो तो आराम से जा रहा है आदमी, लेकिन वहाँ से भी बोलती तब ना। आप लोग के साथ एक दिन होता है, हम लोग रोज देखते हैं कैसे होता है, और हम चक्कर लगाते हैं तो बोल देते हैं कि आप लोग को सामान जो है कम से कम मोबाइल और पर्स ये दो चीज सतर्क रख लीजिए। अरे बरौनी लेकिन महिला लोग तो अब इतना है ना मत कहिए। समस्तीपुर में रोका दो ये दिन पहले लड़का, और उसको गेट में चढ़ने में मार दिया, हम थे अगले गेट पर पानी लेकर के आ रहे थे तो बोल रहा है सर देखिए नहीं सब, हम बोले कि तो जा करके कम्प्लेन करो जेपी में, अब किसको खोजेंगे, दो डब्बा के बाद में गेट पर तुम्हारा मारा, अब कहाँ फोन लिया, कहाँ पर मिला आपका मोबाइल, कहाँ पर मिला, फिर कोई छीन के उतर जाएगा, अभी ट्रेन रुकने वाला है फिर छीन के उतर जाएगा, गेट पर मत जाइए, माना करते गेट पर क्या करे, मोबाइल लेके गेट पर बात करते रहेगा। सबसे पहली गलती आपके हस्बैंड का, आपको अकेले कैसे छोड़ दिया हूं, वो लोग का उधर कटी कटी ना, उसको फाइन देते हैं, आपको फैमिली के साथ रहना चाहिए, उसको कॉल कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, अरे चिल्लाए खाली आ करके, चोर चोर बोलना चाहिए, तो मेरा नहीं टूटा, हम बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सीधे आ करके भागिए, तो मेरा नींद टूटा, हम देखें कोई भाग रहा, हम बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पांच मिनट पड़ते साहब को बोले कि आप लेट जाइए, हम बैठे होते हैं, ऐसे लापरवाह से ट्रेन में मोबाइल को चार्ज में लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी सो जाइएगा तो कैसे होगा, कुछ मिलेगा सर, बीस गो मोबाइल रोज जाता है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं कुत्ते की तरह, हम लोग नहीं सोते, मेरे दोनों लड़के सब सो गए, हम नहीं सोते हैं, आप लोग तो सो रहे हैं, रात भर जगते हैं, देख रहे हैं चेहरा, चल रहा है, बिल्कुल ऊपर से मिलता है, क्या कर रहे हैं बताइए, बहुत गुस्सा होता है, लेकिन क्या कह रहे नौकरी है, चलिए उसके लिए माफी मांग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसा शिक्षित बात अगर बोलेगा, गवार लोग बोलता है तो चलता है, लेकिन जो शिक्षित आदमी बोलता है तो लगता है ऐसे आदमी कैसे बोल रहे हैं, हमके जगह पर आप भी रहिएगा ना, जब तक आदमी देखेगा नहीं पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसा दो चक्कर जरूर लगाते हैं, सतर्क कर देते हैं टोटल आदमी को, क्या है अपना सामान देख लो, दो कम से कम 20 मिनट चोरी होता है, इतना करने के बाद मानता नहीं है, चार्ज लगा ले बोलेगा चार्ज निकाल के निकालो, तो अपने आप को समझेगा कि हमको सिपाही तो ये 20 की कर सर, अभी जगह हुए हैं सर, चार्ज ले दीजिए ना, जैसे ही आंख लगेगा सब सोए हुए हैं, हम जागे हुए हैं, शायद जागे हुए, चोर क्या करता है सिपाही को देखता है कि सिपाही किस बोगी में गया, उस बोगी में नहीं जाता, बोगी में मेरे पीछे चढ़ेगा वो सिपाही जी, आगे जा रहा है पीछे से मार को उतर गया, सब्जी मेरा फोन उठाया, लेकिन उसने गलती की, बोल लीजिए कि यहाँ पे आने के लिए बोल भी रहा है उधर से,
चोरी के चोर भाग जाता हूँ, लेकिन भाग इसलिए नहीं पाया कि मेरा दो फोर्स आगे गया है, थोड़ा देर पहले गया है। हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा पीछे से जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो दो राउंड देखा ना तो उस समय पकड़ा जाएंगे। गाड़ी चलती है, गाड़ी सर्च हम लोग कर रहे थे, यही था गाड़ी सो नहीं थी, गाड़ी तो चल रही थी। हाँ हाँ, इसीलिए अरे वो इसी बोगी में पकड़ा जाता, अगर ये चोर चोर हल्ला करती पकड़ो पकड़ो, इसी बोगी में पकड़ा जाता। नहीं सर, मेरा पैर पिचर के गया, थोड़ा सा मेरा पैर पिचर के गया, वो भी आराम से गया, दौड़ते भागते नहीं गया, पैदल आराम से चलते हुए गया। फ्रेंड्स, अभी ट्रेन जो है हमारी पहुंच चुकी है सेमापुर स्टेशन पे। दो प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है और 28 ट्रेनें यहाँ पर डे हॉल्ट करती हैं। सुबह हो चुकी है और वहाँ से ट्रेन खुली थी 11:30 बजे, आपने देखा ही। उसके बाद रात हो चुकी थी, कहीं बाहर का सीन तो मैं आपको दिखा सकता नहीं था, तो मैं सो गया था। सोने के बाद सुबह उठा हूँ तो ट्रेन अभी सेमापुर रुकी हुई है, इसके बाद कटिहार रुकेगी, सीमांचल के कटिहार, और वहीं आप जानते हैं हमारा होम टाउन है, तो मैं वहीं पे उतर जाऊंगा। ट्रेन जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि 12:45 में पहुंचेगी। देखते हैं आसपास कहीं चाय वगैरह मिलती है तो क्या पीऊँगा, लेकिन ट्रेन जो है वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना कोई दुकान दिख रही है, इस साइड भी कुछ दुकान नहीं है, तो इस कुछ तो मिलने से रहा, यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो कटिहार पहुँच के ही जो अब होगा, पहले थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होऊंगा तो ही चाय पानी पीऊँगा, घर जाके ही पीऊँगा अब, ठीक है। कुहासा बहुत सारा भरा हुआ, देखिए पूरा एकदम कुहासा है। आपने मेरी पूरी वाली वीडियो तो देखी ही, उधर ठंड ही तो अभी नहीं थी, गर्म लग रहा था उधर। टी शर्ट में एक पूरी मैंने निकाल दी, दिन दो दिन वहाँ पे लगे मुझे, और बीच का तो भाई साहब बहुत ही अच्छा सीन रहा वहाँ पे, आप लोग भी कभी ज़रूर जाइएगा। चलिए अब पहुँचते के मिलता हूँ आपको कटिहार में। और रात को इस ट्रेन में एक लेडी का मोबाइल एक चोर लेकर के भाग रहा था, तो वो वीडियो आपने छोटी सी क्लिप देखी है कि क्या क्या हुआ था। उसका मोबाइल एक्चुअली लेकर के आराम से वो जा रहा था, फिर उस लेडी ने बिना हल्ला किए उसके पीछे दौड़ी, किया वो जब गिरी तो उसको चोट लगा, तब वो आ की, लेकिन ये नहीं कि हाँ चोर 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 करके वो बुला रही थी, ये उस लेडी से गलती हो गई। फिर भी मैं भी जागा और कुछ लोग भी जागे, मैंने भी कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो फिर किसी अंकल ने उनके मोबाइल पे कॉल किया, तो फिर रिंग बजते बजते वो चोर जो है वो डर गया और फिर वही मोबाइल कहीं दूसरे बॉगी में छोड़ करके वो चला गया। तो तब जा कर के RPF वगैरह भी आए, लेकिन उसकी मोबाइल जो वो मिल गई फाइनली, वो हकी लक्की थी वो लेडी। तो आप भी सतर्क रहें, चार्ज में लगा करके फ़ोन को ना सोएं, ठीक है। ऐसी घटनाएं जो हैं अक्सर ट्रेन में देखने को मिलती रहती हैं। तो आप फॉग देख सकते हो, इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है इधर सुबह सुबह, अभी 7 बज चुके हैं, कुछ टाइम ये कुहासा है 7 बजे। आप लोग की तरफ कैसा है दिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 29 मिनट की देरी से ये ट्रेन पहुंची है कटिहार रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KIR, और यहाँ पे इसका 20 मिनट का हॉल्ट हो, इसके बाद ही आगे जाएगी। तो ये जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बस इसमें जो वो थोड़ी चोरी वगैरह की जो घटनाएं होने लगी है, बहुत सारी ट्रेनों में होती है, तो खासकर आपको जब इस ट्रेन में चलना हो तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, या किसी भी ट्रेन में चलना हो तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अपना मोबाइल और अपना पर्स बैग ये सब का ध्यान जरूर रखें। मिलते हैं अगली जर्नी में, इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। आप देख रहे थे राजीव मिश्रा ब्लॉग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
sea paradise.